राम एक सद्विचारों वाला युवा व्यक्ति हैं। वे एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक हैं। ईमानदारी, साहस, सादगी, स्पष्टवादिता उसके गुण हैं, लेकिन इन सब के बीच वे कुछ हद तक स्वहितेशी एवं अहंकारी हैं। राम को समुद्री जीवन से बहुत लगाव है, इसलिए वे अपना करियर एक नाविक के रूप में चुनता है। कुशल नाविक होने के कारण जल्द ही उसका प्रमोशन होता है और वे व्यापारिक जहाज में अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। एक बार राम एक जहाज का लीडर चुना जाता है जिसमें अन्य अफसरों के साथ 800 यात्री हैं। अचानक ही समुद्र में तूफान आता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं, सबको अपनी जान की चिंता होने लगती है और सभी अफसर बिना यात्रियों की परवाह किए जहाज छोड़कर भाग जाते हैं। इनमें राम भी शामिल होता है। वे एक लीडर होने के बावजूद इन विकट परिस्थितियों में अपने यात्रियों को मौत के मुँह में छोड़कर भाग निकलता। राम और सभी अफसर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब राम को आत्मग्लानी सताने लगती है। उसे बार बार यात्रियों का ख्याल आता है, अपनी खुदगर्जी पर गुस्सा आता है, पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि एक अन्य जहाज के लीडर और उसकी टीम ने सभी यात्रियों को बचा लिया। राम ने संकट के समय अपने कर्तव्य को त्याग दिया था। उसे हर वक्त इस बात का अफसोस रहता। वो खुद को कोसता पूछता, उसने यह काम कैसे कर दिया। उस वक्त स्वहित की कैसी पट्टी उसकी आँखों पर बंध गई और वे कर्तव्य विमुख हो गया और वह कठिन समय में सही निर्णय नहीं ले पाया। उसने जहाज के कप्तान होने का फर्ज नहीं निभाया। अब वह बहुत शर्मिंदा है। राम पर मुकदमा चलाया गया। जज जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, कप्तान होकर क्यों यात्रियों को मरने छोड़ दिया। राम कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी सफाई देने में भी असमर्थ था। इस तरह वह मुकदमा हार जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इसी दौरान राम की मुलाकात विजय से होती है। विजय एक रिटायर्ड जहाज कैप्टन है। विजय राम की बहुत मदद करता है क्योंकि वे उसकी परिस्थिति एवं मनः स्थिति को अच्छी तरह समझता है। राम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने जिस जीवन से प्रेम करता था, अब वह जीवन उसके पास नहीं था। राम अपने ही सवालों में गुम होता जा रहा था। विजय उसे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। वह उसे मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता। अचानक ही एक दिन राम को उसके बचपन का दोस्त आदर्श मिलता है। विजय ने उसे राम के बारे में सब कुछ बताता है। अब वे दोनों मिलकर राम की मदद करते हैं। आदर्श राम को उसके शहर ले जाने का कहता है, जिस पर विजय भी अपनी हामी देता है। आदर्श राम को उसके शहर ले जाता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे जीवन के प्रति अपनी उदासीनता को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। आदर्श उसी शहर में राम की नौकरी लगवाता है। उस शहर के लोग बहुत भले और मिलनसार हैं। राम धीरे धीरे अपने आप को उस शहर के अनुरूप ढाल लेता है और वे उस शहर का दार्शनिक मार्गदर्शक बन जाता है। राम के पड़ोस में एक मिस्टर जोसेफ की फैमिली रहती है। उनकी एक बेटी है सविना, जिससे राम को प्यार हो जाता है, लेकिन मिस्टर जोसेफ राम को पसंद नहीं करते और वे शादी के लिए राजी नहीं होते। मिस्टर जोसेफ चाहते हैं कि राम को रास्ते से हटा दिया जाए और इसी कारण मिस्टर जोसेफ जॉन के साथ मिलकर राम को मारने का षड्यंत्र रचते हैं और यह सब बातें सविना सुन लेती हैं और इसके बारे में राम को बताती हैं, लेकिन राम इस सब को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। किसी की जान लेना इतना आसान काम नहीं है। सविना उसे बहुत समझाती है, पर वो एक नहीं सुनता। सविना बहुत बेचैन हो जाती है और यह सभी बातें राम के दोस्त आदर्श को बताती है। आदर्श राम की जान बचाने के लिए जॉन को रोकने का प्रयास करता है। इस दौरान राम, आदर्श और जॉन के बीच हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में राम के हाथों आदर्श की हत्या हो जाती है और यह देखकर जॉन वहां से भाग जाता है। राम के हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। वह पागलों जैसा हो जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। तभी उसे उसकी प्रेमिका सविना समझाती है, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब अनजाने में हुआ, पर वो एक नहीं सुनता। राम को जहाज वाली घटना याद आती है। उस वक्त वे एक परिस्थिति से भागा था और इस वक्त वो यह नहीं करना चाहता था, इसलिए राम अपनी गलती का प्रायश्चित करने आदर्श के घर जाता है। वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है और उन्हें अब तक नहीं पता है कि उनका बेटा मर गया है। राम मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करता है और आदर्श की बहनों की शादी करता है, लेकिन उसके मन पर भार है और वह एक दिन आदर्श के पिता को सब कुछ सच बता देता है। आदर्श के पिता गुस्से में आकर राम को मार देते हैं। राम पर सच कबूल करना भारी पड़ जाता है और उस परिवार का एकमात्र सहारा भी छूट जाता है। मोरल, कभी कभी परिस्थितिवश हुई घटनाओं में खुद को भागी ना समझे, हर परिस्थिति समान नहीं होती। अगर राम सच न बताता तो खुद भी जिंदा रहता है और आदर्श के परिवार का सहारा बनता और शायद